प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी। जिले के रणधीर वर्मा चौक पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाया गया। साथ ही इस मौके पर जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेश सिंह और नगर अध्यक्ष वैभव सिन्हा सहित कई नेता मौजूद थे। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर रही है। वही कहा कि सदस्यता अभियान जिले के हर प्रखंड में चलाया जा रहा है। आज नगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में अभियान की शुरुआत किया गया। इस बार भी धनबाद जिला पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान के मामले में पहले स्थान पर होगी। देखिए, सदस्यता अभियान लगाकर धनबाद जिला के कोने कोने में चल रहा है और उसी क्रम में आज धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष वैभव सिन्हा हैं, तो आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। इसमें गांव के हों या शहर के हों या कस्बा के हों, जो भी लोग आ रहे हैं स्वेच्छा से सदस्य बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनको सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है। ये अभियान 31 मार्च तक जिले में चलता रहेगा, पूरे प्रदेश में 31 मार्च तक चलना है। और इसीलिए कल हमारे एपीआरओ भी धनबाद में आ रहे हैं। कल 11 बजे से मीटिंग है। हम समझते हैं कि पिछले जो टर्म में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अव्वल हुआ था पूरे राज्य में, हम समझते हैं कि इस आने वाले भी साल में धनबाद जिला सबसे आगे होगा और सबसे ज्यादा सदस्यता में आगे रहेगा। लोग कांग्रेस के सदस्य बन रहे हैं, उन्हें बनाया जा रहा है। इसी बीच से जो चुन के हमारे बीच से जो जाएंगे वही कांग्रेस के फिर आगे चलकर पदाधिकारी बनेंगे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। तो आज हमारे द्वारा धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर एक शिविर लगाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस के पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। हम सभी से आग्रह करेंगे और अपील करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और देश के पुनर्निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं।